अल्लाह का शुक्र है। सादिक साहब मुझे ये बताएगा कि क्या हुआ, बहुत ज्यादा जाहिर है जो फैंस है क्रिकेट के वो बड़े मायूस भी हुए हैं कि न्यूजीलैंड की एफ टीम थी, जेड टीम थी, उससे हमारी ए टीम हार गई, ये हुआ क्या है? जो क्रिकेट फैंस है ना पाकिस्तान में, उनके दिल बड़े टूटते हैं। हमें थ्रू आउट बताया गया जी न्यूजीलैंड की टीम डी टीम है, देखिएगा क्या करेंगे हम, कैसी की तैसी, डी 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 हां डी डी टीम। दे बीट पाकिस्तान विद 1.4 ओवर्स टू स्पेयर। अब पे बड़ी शर्म ही आ रही है कि यार न्यूजीलैंड टीम वो टीम से हार गए जो कि जॉय ट्रिप पे ही आए हुए ना एक तरह से, और हम लोग तो तैयारी ऐसी की हुई है इस न्यूजीलैंड की सीरीज की माजरत के साथ। तो हम सोच रहे थे कि अभी इनकी बड़ी एक फिटनेस ट्रेनिंग भी हुई है। अब क्रिकेट चेंज हो गया, पड़ोसी मुल्क में जो टूर्नामेंट हो रहा है आप उसको देखें तो उसके अंदर तो 250 रन बन रहे हैं, 200 रन सवा 200 रन चेस हो रहा है, तो ये क्या मतलब हुआ उसका कि क्रिकेट खेलने का अंदाज जो है वो बदलता चला गया है और आपको उसको एडॉप्ट करना पड़ेगा। सी टीम के खिलाफ जो 14 खिलाड़ी उनके आईपीएल में खेल रहे हो और एक ऐसी टीम ने आके सीरीज जीत ली, मैं तो सीरीज कहूंगा ये सीरीज जीती है न्यूजीलैंड, जो आउटस्टैंडिंग जो मैच जीता है। देख लिया जी आपने अपनी पाकिस्तान टीम का हाल जिसके बारे में हम बहुत बोलते हैं। एक प्लेयर था चैपमैन जिसने 87 रन किए 42 बॉल्स पर, हमारी बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ कूट के वो अकेला चला गया, हम उसको नहीं पकड़ पाए। लेकिन ये हार देखिए ना, ये आपको हम करेगी। पाकिस्तान क्रिकेटर को आईपीएल से सीखना चाहिए, आईपीएल में बैटिंग पावर में 120 125 रन बन रहे हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम 170 रन बना रही है, बड़े अफसोस से कहना पड़ता। मुझे यही डर लग रहा है कि मैच जब हम हारते हैं ना हम पैनिक कर जाते हैं। और डी टीम के साथ आप खेल रहे हैं तो खुदारा कुछ तो अपनी परफॉर्मेंस ऐसी दिखाएं कि हम ये कह चलें मुकाबला तो खूब किया दिले ना। चले आपने बहुत डांट दिया, आज आपने टीम को बहुत डांट दिया, बस सकता है डरपोक है, सारे लोग डरपोक है। अब पूरी टीम खेलेगी अगले मैच में और पूरी टीम खेल के मैच जीतने की कोशिश करेंगे। हेलो दोस्तों, कल न्यूजीलैंड के डी टीम के मार्क चैपमैन ने पाकिस्तान की टीम की बैंड बजा के रख दी और जिस तरीके से कल न्यूजीलैंड ने एक तरफा मैच जीता, मतलब 7 विकेट से जीता है, और न्यूजीलैंड एक क्लब टीम अगर पाकिस्तान के फुल स्टैंड टीम के 7 विकेट में मैच जीता है तो आप समझ सकते हैं कि किस डोमिनेटिंग बैटिंग के साथ 10 बॉल रहते हुए भी उन्होंने मैच जीत लिए, मतलब किस तरीके से कल कह सकते हैं कि फिर से पाकिस्तान क्रिकेट कल रात को नंगा हुआ है और इज्जत लूटी है, फिर से पाकिस्तान क्रिकेट की इसको लेकर पूरी रात पाकिस्तानियों को रोना धोना मचा ही है और इसको लेकर राशिद लतीफ भी बहुत ज्यादा रो रहा है। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। वर्ल्ड्स बेस्ट बॉलर्स, फैंटास्टिक, ब्रिलियंट, स्पेक्टेकुलर, 4.25 बंदों की टीम वो लेके गई मैच डोमिनेट कर, दे बीट पाकिस्तान विद 1.4 ओवर्स टू स्पेयर। और चैपमैन अगेन आपके हाथ में आ गए और कमेंट करने से भी ना, मतलब कि आप पे बड़ी शर्म ही आ रही है कि यार न्यूजीलैंड टीम वो टीम से हार गए जो कि जॉय ट्रिप पे ही आए हुए ना एक तरह से, और हम लोग तो तैयारी ऐसी की हुई है इस न्यूजीलैंड की सीरीज की माजरत के साथ, ठीक है ना, प्लेयर से ज्यादा तो ड्रेसिंग रूम में लोग मौजूद हैं, तो लोग कहते क्या क्या बोल सकते, तैयारी आपकी, हर कोई ये सोचता है कि रिजवान और बाबर की जोड़ी तोड़ दो, अरे टीम टूट गई है, आपको अंदाजा ही नहीं हुआ कि न्यूजीलैंड से अब तक टीम टूट गई है आपकी, ये जोड़ी नहीं टूटेगी, रिजवान बाहर चले गए आज बाबर, लेकिन ये हार देखिए ना, ये आपको हम करेगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अभी तुम्हें 7 मई को चले जाने हैं इंग्लैंड आइलैंड में, फिर आगे वर्ल्ड कप है, अल्लाह ही मालिक है। जो क्रिकेट फैंस है ना पाकिस्तान में उनके दिल बड़े टूटते हैं, हमें थ्रू आउट बताया गया जी न्यूजीलैंड की टीम डी टीम है, देखिएगा क्या करेंगे हम, डी टीम। और लेकिन और हमारी टीम में माशाल्लाह कौन कौन से स्टार नहीं है, बाबर है, आमिर भी थे और साथ ही रिजवान है। कल रिजवान बैटिंग कर रहे थे फिर वो इंजर्ड होके बाहर चले गए, T20 मैच है ये, उसमें वो जख्मियों के बाहर चले गए। आप काकुल से तो क्या, दुनिया की किसी भी एकेडमी से आप इनकी ट्रेनिंग करवा दें, मुझे लगता है मोहम्मद रिजवान का लुढ़कना फिसलना फिसल के लुढ़कना वो कभी खत्म नहीं होगा, वो मतलब वो हालांकि वो खुद भी इसको कह चुके कि मैं थोड़े थोड़े एक्टिंग करता हूँ लेकिन भाई क्रैम्स वाली है, लेकिन कल T20 मैच में भी क्रैम्प पड़ गया, मतलब क्या कह सकते हैं। चैपमैन ने खेली, मार्क चैपमैन भाई साहब ने इससे पहले भी पिछले साल भी यही हाल किया था हमारा, और इस बार भी यही हो रहा है। भाई कहां से उन्हें, फिर क्यों उन्हें आपने डी टीम में रखा हुआ अगर वो ये हाल कर रहे हैं पाकिस्तान की टीम का, लड़के पूछ रहे हैं ये डी टीम में, ए टीम आ जाती फिर क्या होता। तो कीवी टीम ने 179 रन का अदब 10 गेंदों पहले ही हासिल कर लिया, अब आप इससे अंदाजा लगा लें कि मैच किस तरह हुआ। अब हमारा मैच जो दूसरा होना है बस उसके लिए फिर आप दुआ भी करें, आप ये ना सोचें कि सिर्फ हम टीम पर रिलाई कर लेंगे, दुआ भी करें क्या हो गया, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। न्यूजीलैंड टीम को जो लोग ए बी सी कह रहे थे उनको पता चल गया, हम सब कह रहे थे क्योंकि उनके सीनियर खिलाड़ी तो आए नहीं है शायद साहब, बहुत से लोग कह रहे थे, हमारे साबित पीसीबी के चेयरमैन ने भी लिखा था कि ये टीम कहाँ से आ गई,
तो कभी भी जो मैचेस होते हैं या कोई भी मुकाबला होता है तो कभी भी हरीफ को आसान नहीं लेना चाहिए। और डी टीम के साथ आप खेल रहे हैं तो खुदारा कुछ तो अपनी परफॉर्मेंस ऐसी दिखाएं कि हम ये कह चले मुकाबला तो खूब किया दिले ना था। आपने बहुत डांट दिया आज आपने टीम को बहुत डांट दिया। बस बस ठीक है कोई बात नहीं दो मैचेस हैं ना देखिए की खबरें मिलती है पॉजिटिव खबरें मिलती है। अल्लाह का शुक्र है। सादिक साहब मुझे ये बताएगा कि क्या हुआ बहुत ज्यादा जाहिर है जो फैंस है क्रिकेट के वो बड़े मायूस भी हुए हैं और बातें भी बना रहे हैं कि न्यूजीलैंड की एफ टीम थी जेड टीम थी उससे हमारी ए टीम हार गई ये हुआ क्या है। सी टीम के खिलाफ जो 14 खिलाड़ी उनके आईपीएल में खेल रहे हों और एक ऐसी टीम ने आके सीरीज जीत ली मैं तो सीरीज कहूंगा ये सीरीज जीती है न्यूजीलैंड जो आउटस्टैंडिंग जो मैच जीता है पहले जो 90 रन जो टीम आउट हो जाए एक दिन पहले और इतना शानदार कम बैक करे रखना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बहुत मायूस खुन कारकर्दगी दिखाई पूरी आवाम का दिल तोड़ा है और ये टीम जो वर्ल्ड कप की बेहतरीन टीम थी और इस तरह की कारकर्दगी अगर शाहीन शाह आफरीदी पिछले मैच में आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करते हैं 3 विकेट लेते हैं मैन ऑफ द मैच होते हैं और नसीम शाह जो वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉल बनते हैं और 40-44 रन देते हैं वो ऐसी बॉलिंग करते हैं सोशल मीडिया पे कमर्शियल पे ज्यादा ध्यान है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आईपीएल से सीखना चाहिए। आईपीएल में बैटिंग पावर में 120-125 रन बन रहे हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम 170 रन बना रही है बड़े अफसोस से कहना पड़ता है। न्यूजीलैंड की सी टीम मैच जीत के चले गई लगनी है फिक्री है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम कहां खड़ी है क्या पाकिस्तान के पास ये खिलाड़ी रह गए आप मुझे बताइए एक अनफिट खिलाड़ी खेल ले फिर बाबर की खुद की कारकर्दगी क्या थी दो ओडीआई में गैर मियारी बैटिंग की इतनी कमजोर टीम के सामने इन्हें क्या हो गया ये जो भी लूप होल्स हैं हर 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 सेक्टर में ही है भले फील्डिंग ले लें भले बॉलिंग ले लें भले बैटिंग ले लें इनको काम करना पड़ेगा और बाबर को अपनी कैप्टनसी पर गौर करना पड़ेगा अदरवाइज बिल्कुल आप ठीक आके चार्ट में टीम नजर नहीं आएगी। तो हम सोच रहे थे कि अभी इनकी बड़ी एक फिटनेस ट्रेनिंग भी हुई है ऐसा फीलिंग आती है जैसे हमारे बॉलर्स ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। कल नसीम शाह का एक ओवर था जिसमें 23 रन पड़े और 23 रन में से मैं बैठ के सारा कल डेटा निकाल रहा था 23 रन में से 17 रन उनको टांग के ऊपर पड़े जो कि शॉर्ट गेंदों के ऊपर उन्होंने किए आपने इतनी शॉर्ट गेंदें की उसको चैंपियन को 23 रन खींच दिए बस वहीं से मैच सारा निकल गया। हमने जो है आखिरी के जो 5 ओवर थे उसके अंदर हमने किए 55 रन और उन्होंने सिर्फ 3 ओवर में 44 रन कर दिए। हमारा मैच 15 ओवर तक एग्जैक्टली सेम था 4 या 5 रन का फर्क था मगर उसके फौरन बाद उन्होंने 3 ओवर में पूरे 3 ओवर के अंदर 44 रन करके मैच खत्म कर दिया मतलब अमेजिंग मतलब इतनी हमने खराब गेंदें खेली। अब क्रिकेट चेंज हो गया अब पड़ोसी मुल्क में जो टूर्नामेंट हो रहा है आप उसको देखें तो उसके अंदर तो 250 रन बन रहे हैं 200 रन 225 रन चेस हो रहा है तो ये क्या मतलब हुआ उसका कि क्रिकेट खेलने का अंदाज जो है वो बदलता चला गया है और आपको उसको एडॉप्ट करना पड़ेगा अगर नहीं करते तो आपको मतलब आप कामयाब नहीं है। मुझे यही डर लग रहा है कि मैच जब हम हारते हैं ना हम पैनिक कर जाते हैं। देख लिया जी आपने अपनी पाकिस्तान टीम का हाल जिसके बारे में हम बहुत बोलते हैं अगर ये टीम ये सीरीज ड्रॉ भी कर जाती है तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि पाकिस्तान के प्लेयर्स और उनके प्लेयर्स को अगर हम देखें जमीन आसमान का फर्क है और जिस तरीके से आज उन्होंने क्रिकेट खेली है आई थिंक आउटस्टैंडिंग जो है वो क्रिकेट खेली तो इस बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ ऐसी बैटिंग आई थिंक पैथेटिक बैटिंग मैं नहीं समझता बहुत अच्छी बैटिंग। एक प्लेयर था चैपमैन जिसने 87 रन किए 42 बॉल्स पर और ये वो चैपमैन है जो लास्ट सीरीज आपको याद होगा पिंडी में हुई थी उसमें भी दो मैचेस में 107 आई थिंक किए थे नॉट आउट किए थे 57 बॉल्स पे और वहीं से उसने कंटिन्यू आज इनिंग खेली है और उसने यहां पे भी 87 कर दिए 42 बॉल्स नॉट आउट। इसका मतलब ये उसका ये फेवरेट ग्राउंड है वो कोशिश करता है कि कूटो यहां पे दबा के कूटो हमारी बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ कूट के वो अकेला चला गया हम उसको नहीं पकड़ पाए पैथेटिक किस्म की विकेट कीपिंग हुई क्योंकि तो मतलब स्टैंडर्ड तो कहीं नजर ही नहीं आया। शाहीन ने बैड बॉलिंग की नसीम शाह ने थर्ड क्लास किस्म की बॉलिंग की ठीक है विकेट्स हम ले ही नहीं सके वो 3 विकेटों पे मैच पूरा करके चले गए। ये डरपोक है सारे लोग डरपोक है। अब पूरी टीम खेलेगी अगले मैच में और पूरी टीम खेल के मैच जीतने की कोशिश करेंगे। ये कोई न्यूजीलैंड की ऐसी टीम नहीं है कि पाकिस्तान को आराम से हरा सके वो तो चैपमैन जो है वो अकेले खड़ा हो गया और वो मैच जितवा गया तो ये सोचने की बात है। इस टीम इन टीम के खिलाफ भी अगर हम इस तरीके से मैच खेलेंगे ना तो सोचो हम तैयारी क्या कर रहे हैं हम वर्ल्ड कप की तैयारी क्या कर रहे हैं इन ऐसी टीम को तो उठने भी नहीं देना चाहिए।